वेलकम टू लेस्टर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश साप्ताहिक करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं केएस ठाकुर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मई महीने के सेकंड वीक के अति महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स, जो कि आगामी एचएएस, अलाइड मेन, एनटी, टीडब्ल्यू, टेट सेट, पुलिस क्लर्क इत्यादि जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले उनमें सभी एग्ज़ाम्स में ये हमारी निश्चित तौर पर हेल्प करेगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था। देखिए, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पे इस तरह के प्रश्न जानबूझ के डालता हूँ जो कि करंट इवेंट्स से रिलेटेड नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है किसी चीज़ के बीच में घुसा दी जाए तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। तो ये प्रश्न कई बार हमारे पंजाब केसरी समाचार पत्र में या अमर उजाला समाचार पत्र में इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर पढ़ाया जाए तो आप उनको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मारोपन तांबे। अगला प्रश्न है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्यूजियामा, देखिए इसके नाम से भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो रहा है। फ्यूजियामा यदि हम लोग इसको इंटरलेट करें तो जापान से मिलता जुलता है, ठीक है। तो आपने इसको कहां पर जोड़ देना है, जापान के साथ में इसको जोड़ देना है। नेशनल ई कॉमर्स नीति की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल ई कॉमर्स जो नीति बन रही है उसकी जिम्मेदारी दी गई है जो हमारे वाणिज्य मंत्री है सुरेश प्रभु की अगुवाई में गठित थिंक टैंक को ये जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कौन है, तो इनका नाम। देखिए अगला प्रश्न है, एशिया डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी रहेगी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को रहने का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष जो हमारा सेशन चला हुआ है अभी 7.3% रहेगी। मिनी पंजाब के नाम से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान जाना जाता है। देखिए, पंजाब अपनी उपजाऊ क्षमता के कारण काफ़ी समृद्ध राज्यों में आता है, तो हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसी जगह है जिसे मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है। उस जगह का नाम है बल घाटी। यह बल घाटी हिमाचल प्रदेश की जितनी भी घाटियाँ हैं वो सारी घाटियाँ पहाड़ीदार है, पर इस घाटी को बिल्कुल प्लेन है फिर भी इसे घाटी कहा जाता है। ये सबसे उपजाऊ घाटी है बल। बल अभी तहसील भी बन चुकी है, जिला मंडी के अंदर यह घाटी है, तो इसको आपने याद रखना है। बड़े पैमाने पर एक ही फसल एक ही क्षेत्र में पैदा करने से कौन सा रोग पनपता है। देखिए, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े पैमाने पर एक ही फसल एक ही क्षेत्र में पैदा करने पर कौन सा रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है ब्लाइट रोग। देखिए, ये प्रश्न जो बल घाटी है, आजकल वहां पर बहुत ज्यादा क्षेत्र में टमाटरों का उत्पादन किया गया है, तो वहां पर टमाटर के खेतों में इस बीमारी को देखा गया, ब्लाइट रोग। तो वहां के जो कृषि वैज्ञानिक है उन्होंने अनुमान लगाया कि यह बीमारी किसकी वजह से, लंबे एक बड़े पैमाने पर एक ही फसल को बहुत ज्यादा क्षेत्र में बो दिया गया, उसकी वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। तो आपने इसको याद रखना है, बीमारी का नाम क्या है, ब्लाइट रोग। अखिल भारतीय गौ सेवा दल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसके संस्थापक है डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हर्डिकर्स, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के। देखिए, आप आरएसएस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये जैसे आरएसएस का अपनी एक संस्था है, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक और संस्था जिसका नाम है भारतीय कांग्रेस सेवा दल, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हर्डिकर। मंडी जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलद्वाड़ा का नाम कसौली गोलीकांड में शहीद हुई सैल बाला के नाम पर रखा जाएगा। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में काफ़ी दुखद घटना घटित हुई सोलन जिले के कसौली नामक स्थान पे, वहाँ पे अवैध जो होटल के व्यवसायियों द्वारा अवैध भूमि को उसके ऊपर कब्जा किया गया, तो उसको उठाने के लिए अधिकारी वहाँ पे गया तो उनके गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ठीक है। तो इनके नाम पे आपने याद रखना है, पहले तो याद रखना है ये कांड कहाँ पे हुआ है, कसौली कांड में, इनका नाम क्या है जो इसमें शहीद, उनका नाम है सैलबाला, ठीक है। अभी प्रदेश सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए एक सरकारी स्कूल है बलद्वाड़ा का, उसका नाम क्या रखने की घोषणा की है, सैलबाला। नई ऊर्जा नीति में पहले से आवंटित परियोजनाओं को 12 साल तक 12% रॉयल्टी की छूट दी जाएगी। देखिए, प्रदेश सरकार में जितनी ऊर्जा नीति है उसमें जो आवंटित योजना है तो 12% रॉयल्टी में भी छूट देने के लिए सरकार तैयार हो गई है।
सिरमौर जिले की नोहराधार में व्हाइट सीमेंट संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट में इसको अभी अप्रूवल दिया गया है, आपने याद रखना है। हमें ये जरूरी नहीं है कि आपको व्हाइट सीमेंट का प्रश्न पूछे, यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि नोहराधार हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर। यदि पिछले आप एचएस के एग्जाम्स को उठा के देखेंगे तो आपको उस उनके वो पुराने क्वेश्चन पेपरों में पाएंगे कि पिछले काफ़ी लंबे समय से धारों से संबंधित कोई ना कोई एक प्रश्न तो अवश्य आया हुआ ही है, और ऐसी धार से संबंधित प्रश्न आता है जो कि समाचार पत्रों में सुर्खियों में रही हो। तो देखिए सिरमौर की नोहराधार है, वहाँ पर सरकार व्हाइट सीमेंट लगाने जा रही है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इसी लेक्चर के आगे एक स्लाइड। अगला है विधानसभा अध्यक्ष ने 15 कमेटियों की नुमाइंदगी को सौंपी जिम्मेदारी। देखिए जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने क्या किया है, विधानसभा के संचालन करने के लिए उन्हें समितियों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने एक तो पहला यहाँ से याद रखना है कि 15 समितियों का गठन किया गया है। कितनी समितियां बनाई गई है, 15 समितियां बनाई गई है। जो मेन है उनके आपने सिर्फ मैंने तो यहाँ पे पूरा विस्तृत डाल दिया है, पूरा का पूरा है, इसको भी यदि आपने रिमेंबर करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं जिन्होंने और भी अच्छी हिमाचल राजनीति में दिलचस्पी है। बस जो हमारे कंपिटेटिव एग्जाम के विद्यार्थियों क्या करेंगे, किसने गठित किया, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा कितनी कमेटियों का गठित किया गया, 15 कमेटियों का गठन किया गया, किसके लिए गया, ताकि जो ये हमारा आगामी सत्र है 2018-19 इसका जो विधानसभा का कार्य संचालन है वो सही ढंग से चल सके। सबसे पहली और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी होती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, ठीक है। तो लोक लेखा समिति की अध्यक्ष किसे बनाया गया, आशा कुमारी को बनाया गया है। हमारे लोकतंत्र में यह परंपरा रहती है कि इस कमेटी का जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल को के किसी भी सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे है अगली कमेटी बनी है प्राकलन समिति। प्राकलन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सभापति रमेश चंद धवाला होंगे, ठीक है। इस कमेटी के सभापति किसे बनाया है, रमेश चंद धवाला जी को बनाया गया। उसके बाद है लोक उपक्रम कमेटी, इसके अध्यक्ष बनाया गया है नरेंद्र ब्राक्टा जी को। उसके बाद है आगे कल्याण समिति जिसके अध्यक्ष बनाया गया है, सभापति बनाया गया है सुखराम जी को। उसके बाद है अधीनस्थ विधायन, इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया इंदर सिंह सभापति को। बस शुरू की यदि आप शुरू की तीन तो मैं कहूंगा कि आप लोग याद रखें, बाकी ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए नहीं है। आजकल मैचिंग के प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इस मैंने सारी इसलिए डाल दी है, कहीं मैच करने के लिए आपको कोई प्रश्न आगामी HAS या अलाइड मेन में या NT के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला है जन प्रशासन समिति, देखिए इसके सभापति बनाया गया है राकेश पठानिया जी को। अगली है मानव विकास समिति, इसके सभापति बनाया गया है बलबीर सिंह जी को। उसके बाद अगली है सामान्य विकास, इसके अध्यक्ष बनाया गया है सुरेश कुमार कश्यप जी को। अगली बात करें तो ग्रामीण नियोजन समिति है जिसके अध्यक्ष बनाया गया है विक्रम सिंह जरियाल को। यदि विशेषज्ञ समिति की बात करें तो यहाँ पे पुनः आपके जो लास्ट की तीन चार कमेटी है इनका भी आपने याद रखना है, किसी का भी आपको यहाँ पे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपने इतना याद रखना है जो विशेषज्ञ समिति इसका अध्यक्ष कौन होता है, विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद है पुस्तकालय व सदस्य सुविधा समिति, देखिए इसका सभापति कौन होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है। और मैं आपको बता दूँ सबसे छोटी कमेटी होती है हमारी लोकसभा और विधानसभा में, वो पुस्तकालय की जो समिति सबसे छोटी समिति भी यही होती है, प्रश्न भी कई बार कंपिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे है कार्य सलाहकार समिति, देखिए इसके सभापति कौन है, विधानसभा अध्यक्ष है। उसके बाद है नियम समिति, इसके भी देखिए कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष है। आचार संहिता की बात करें तो इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजीव बिंदल सभापति होंगे, ठीक है। तो बस इतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, इनके नाम लास्ट के तीन और शुरू की तीन कमेटियों के नाम आपने याद जरूर रहने हैं। अगला प्रश्न बन के आया है हिमाचल प्रदेश के ऊना में आर्मी मिलिट्री स्टेशन स्थापित करेगा। देखिए आपको प्रश्न इस तरह से कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में या किस स्थान पर आर्मी मिलिट्री स्टेशन स्थापित किया जाएगा, तो उसका उत्तर क्या होगा, जिला ऊना। प्रदेश के 10 करोड़ परिवारों में रहने वाली 55 करोड़ आबादी को हेल्थ कवर योजना का लाभ मिलेगा, यह कुल आबादी का करीब 40% होगा। देखिए जो हेल्थ कवर योजना है उसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 लाख तक का हेल्थ केयर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 40% जो हमारी पॉपुलेशन है पूरे देश की वो लाभान्वित इस स्कीम से होगी। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल को DGP डिस्क अवार्ड दिया। देखिए ये प्रश्न आ सकता है आपको कि हाल ही में DGP डिस्क अवार्ड किसे दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया कांगड़ा जिला के पुलिस अधीक्षक है संतोष पटियाल जी। किसने इसको दिया है, तो ये अवार्ड दिया गया है जो पुलिस महानिदेशक है सीताराम मट्ठी द्वारा दिया गया है। तो दो नाम आपने याद रखने हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है, पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था, यहाँ पे और भी बेहतर आंकड़े मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये हमारा संबंधित है जो सोलर रूफ पावर प्लांट लगाया गया अभी हाल ही में पर्यावरण निदेशालय शिमला में, जिसको स्थापित किया गया है। देखिए कई नए कीर्तिमान इस प्लांट ने स्थापित कर दी। देखिए छत के ऊपर यदि बिजली बनेगी तो देखिए कितनी अच्छी योजना है। मैं तो कहूँगा सौर ऊर्जा का दोहन होना चाहिए और जैविक खेती को जितना प्रोत्साहन दिया जा सके उतना देना चाहिए। बस हमारे समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए दो काम बहुत ही जरूरी है, जो कि बिल्कुल ही कम लागत या मैं कहूँगा निःशुल्क से भी इंसान शुरू करे तो उनका दोनों कामों को कर सकता। तो ऐसा कुछ कृत्या ऐसे कीर्तिमान करके दिखाया है पर्यावरण निदेशालय, जिन्होंने अपने छत के ऊपर क्या सोलर रूफ पावर प्लांट लगाया है। और देखिए इसमें कितना क्या क्या इसमें हो रहा, कितने पैसे बच रहे। सबसे पहले मैं ये बात करूँ तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा वातावरण बहुत गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3,500 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की छत पे इस प्लांट को लगाने से। उसके आगे देखिए 4 मेगावाट विद्युत उत्पादन से 1,500 किलोग्राम कोयले की बचत होगी। देखिए पॉल्यूशन को आप कम कर रहे हैं, कोयले की खपत को आप सेव कर रहे हैं। उसके अलावा सोलर रूप से अपनी जरूरतों को पूरा कर बिजली बोर्ड को विद्युत बेचने वाला हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विभाग एवं प्रौद्योगिकी राज्य का पहला ऐसा विभाग बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, राज्य बिजली विद्युत को क्या जो बिजली विद्युत है उसको जो सौर ऊर्जा से उन्होंने जो वहां पे अपने संयंत्र लाए अपने दफ्तर के लिए, तो उनको फ्री में बिजली मुहैया हो ही रही है। पर इसके बाद ये बेचने वाला पहला विभाग भी बन गया है। तो दो तथ्य आपने याद रखने हैं, एक इस डिपार्टमेंट का नाम और उसने क्या काम किया है सोलर रूफ पावर प्लांट अपनी छत के अपने विभाग की छत के ऊपर स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जी ने राजभवन में नॉर्वे के राजदूत नील्स रामनगर कामस्विक से भेंट की। देखिए ये भेंट इनकी चली रहती है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में आचार्य देवव्रत जी जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है उन्होंने किसके साथ में बैठक, किस देश के जो राजदूत है उनके साथ में बैठक का आयोजन किया गया, ठीक है, या किसके ऊपर उस बैठक में चर्चा की गई। ये दो चीज़ें हमने याद पकड़नी होती है। देखिए नॉर्वे के राजदूत है नील्स रागनर कामस्वेग, इनके साथ में किसके ऊपर चर्चा की गई है पर्यावरण एवं तकनीकी हस्तांतरण को लेकर। अगला प्रश्न है, साइंस स्ट्रीम के मेधावियों के लिए युवा विज्ञान पुरस्कार योजना। देखिए जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे आई है। प्रदेश सरकार ने युवा विज्ञान पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत मैट्रिक तथा जमा दो के टॉप छात्रों को सरकार क्या करेगी, पुरस्कार उन्हें देगी, उन्हें प्रोत्साहित करेगी। तो जो साइंस से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं इस यूट्यूब चैनल्स पे, वो और भी ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा सकें। शून्य लागत प्राकृतिक कृषि के माध्यम से किसानों की खेती को आय को बढ़ाने तथा कृषि लागत कम करने के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। देखिए प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, पहले तो इसको आप साधारण शब्दों में लीजिए। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भारत में किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और आपको मैं बार बार अपने लेक्चर से समझा रहा हूँ कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 25 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया गया है। ये सब कुछ किसके लिए किया गया है? जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय को डबल करना, तो किसानों की आय को डबल करने के लिए उनकी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे बीज और अच्छा प्रशिक्षण मुहैया करवाना पड़ेगा। और यदि हमारी कृषि व्यवस्था में सुधार लाना है तो जैविक खेती का ऐसा कंसेप्ट है जो कि बिना किसी लागत से कम लागत से भी इसका अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तो आपने इस योजना को याद रखना है, जिस योजना का नाम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। अगला प्रश्न, मैंने आपको बोला था कि नोहरा धार को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। नोहरा धार पड़ती है सिरमौर में और यहाँ पे प्रदेश सरकार व्हाइट सीमेंट संयंत्र स्थापित कर रही है। और आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला और सबसे प्राचीनतम जो सीमेंट का उद्योग है उसकी स्थापना भी कहाँ पे की गई है, जिला सिरमौर में ही की गई है। देखिए 108 हेक्टेयर क्षेत्र पर ये उद्योग स्थापित किया जाएगा और इस उद्योग को कंपनी है
जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसका, जो कि जोधपुर की कंपनी है, ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लगाएगी। देखिए इस प्रोजेक्ट के लगने से करीब 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि बात करें तो कंपनी के एमओयू में ये बात कही गई है कि 2% जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका नौहरधार के विकास योजनाओं के लिए खर्च करना होगा। और ये अत्याधुनिक प्रोजेक्ट होगा जो कि जापान व डेनमार्क की हाई टेक्नोलॉजी मशीनें यहाँ पर लगाई जाएगी। और देखिए इससे जो प्रोडक्शन होगी उसका पूरे नॉर्थ इंडिया में व्हाइट सीमेंट की सप्लाई की जाएगी। देखिए कुछ लोग जो पर्यावरणविद है, पर्यावरण प्रेमी है, वो इस प्रोजेक्ट का विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका नकारात्मक और सकारात्मक पहलू रहते हैं, हमने कंपिटेटिव व्यू ऑफ पॉइंट से इतना ध्यान रखना होता है कि हमारा कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कहां पे बनता है, ठीक है। यदि आपको मेन में लिखना पड़े तो आप नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं का विवेचन करके अपने दिमाग से कुछ और भी बेहतर इसको बना सकते हैं, किस तरह से इसके लाभ है, क्या क्या इसके हानि है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहां पे बता दिया गया। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हेलीटैक्सी सेवा के लिए 3 हवाई कंपनियां तैयार है। देखिए तीनों कंपनियों के नाम मैं इसलिए लाया हूँ कि आपको चुनने में आ जाए कि हिमाचल प्रदेश में हेलीटैक्सी के ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को यदि आपने तुरंत सुविधाएं देनी है, कनेक्टिविटीज को बेहतर करना है, तो हमारे पास एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतर विकल्प होगा हेलीटैक्सी। देखिए 3 कंपनी है, इनके नाम दिए गए हैं, पवन हंस लिमिटेड है, उसके बाद स्काईवन एयरवेज और इंटीजेट है। इनके आपने नाम याद रखने हैं, ये हिमाचल प्रदेश में क्या करेंगे, हेलीटैक्सी सेवा की सर्विस देने के लिए कंपनियां तैयार बैठी है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला प्रश्न है, जो प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की बेटी व मणिपुर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही अभिलाषा कुमारी को गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखिए जो ये अभिलाषा कुमारी ये सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि ये मणिपुर उच्च न्यायालय की भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। और आजकल क्यों सुर्खियों में है, क्योंकि जो गुजरात का राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। और अभिलाषा कुमारी कौन है, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी है, उनकी ये बिटिया है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है और ये प्रश्न आपको किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही कम समय में पूरे हफ्ते भर के अति महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और आप लोगों से पुनः एक रिक्वेस्ट की ये हमारी जो फ्री में पढ़ने की मुहिम है ये जन जन तक पहुंचे, हर विद्यार्थी तक पहुंचे, और आने वाले समय में हम इसमें और भी बेहतर कर सकें इसके लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग के तौर पर आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें इस यूट्यूब चैनल के लिंक को जरूर भेजें और उन लोगों से रिक्वेस्ट करें कि यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, यदि आप लोग जरूरतमंद विद्यार्थी है, तो इससे आपको इस चैनल यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच की वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।